अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दृष्टिगत डीआईजी आनंद कुलकर्णी व एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर, एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने आज गोरखनाथ क्षेत्र में दल बल के साथ सुरक्षा व्यवस्था को परखा। इस दौरान पुलिस ने फ्लैग मार्च करके लोगों को सुरक्षा का एहसास भी कराया। मीडिया से बात करते हुए डीआईजी आनंद कुलकर्णी ने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के दृष्टिगत यह फ्लैग मार्च किया गया है। बॉर्डर एरिया पर भी निगरानी रखी जा रही है। हर संदिग्ध व्यक्ति की निगरानी की जा रही है। बैरियर और पिकेट लगाकर जाँच की जा रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस मोबाइल पेट्रोलिंग के साथ क्षेत्र में लगातार गश्त करती रहेगी। इस अवसर पर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर व एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए डीआईजी आनंद कुलकर्णी ने कहा, सभी जनपदों को गोरखपुर सभी जनपदों को डायवर्जन प्लान हमारा पहले से लागू है और अब अयोध्या की तरफ इवन पैदल जाने वाले लोगों को लाइट व्हीकल को भी अगले दो दिन से सम्मिलित रहेगा। सभी जो पब्लिक प्लेसेस है जहाँ भीड़भाड़ वाले स्थान है वहाँ पे चेकिंग रेस्किंग के निर्देश दिए हैं। सभी अधिकारी पॉपुलेशन के एरिया में पैदल गश्त कर रहे हैं। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक लोकेशन में कम्युनिटी सेंसिटिव पॉइंट्स में पुलिस का डिपार्टमेंट रहेगा और हमारी डीआरबी मोबाइल टीमें वहाँ पे तैनात रहेगी। नेपाल बॉर्डर और बिहार बॉर्डर पे भी लगातार चेकिंग चल रही है। सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से भी मॉनिटरिंग हो रही है और वहाँ पे भी पर्याप्त पैदल गश्त वाले पेट्रोलिंग यूनिट और मोबाइल पेट्रोलिंग यूनिट तैनात किए गए। हम लोग पूरी तरह से सतर्कता बरत रहे हैं और पूरी आशा है कि पूरी शांतिपूर्ण तरीके से और सुचारू रूप से सभी संपन्न आने के कार्यक्रम संपन्न होंगे और ये जगह 26 जनवरी तक लगातार हम रखे रहेंगे। 26 जनवरी के दृष्टिकोण से भी चूंकि 22 तारीख को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा है, ऐसे में गोरखपुर में भी तमाम आयोजकों से द्वारा आयोजन किए जाएंगे। ऐसे सभी लोगों को चिन्हित किया गया है और वहाँ पे पर्याप्त पुलिस के द्वारा सुरक्षा दी जाएगी। पुलिस फोर्स डिप्लॉयड रहेगी और पूरी तरह से तैयार है। पूरा सिक्योरिटी प्लान हमारा तैयार है और वहाँ पे भी ट्रैफिक और सिक्योरिटी के संबंध में व्यवस्था की जाएगी।